बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध नाजुक दौर में है। अब झारखंड में दिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद दोनों देशों के संबंधों में और तल्खी आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अमित शाह के बयान पर ढाका गर्म है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर खरी खोटी सुनाई, तो अब भारत के जवाब का इंतजार है। बांग्लादेश को जवाब मिलेगा, वो भी करारा। भारत में बांग्लादेश के शरणार्थियों की बढ़ती तादाद पर देश भर में चर्चा होती रहती है। यही हकीकत 20 सितंबर को झारखंड के साहिबगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने सामने रख दी। साहिबगंज से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया और कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाएगा। अमित शाह का इतना कहना था कि बांग्लादेश को मिर्ची लग गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड में बांग्लादेशियों को लेकर दिए बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 23 सितंबर की रात बयान जारी कर कहा, झारखंड में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर इस बारे में विरोध पत्र भी दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार अपने नेताओं को ऐसे आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बयान देने से बचने के लिए कहे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बाद सरकार में नंबर दो हैं। उन्हें भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों के बारे में भली भांति मालूम है। उन्होंने जो बयान दिया है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया है, लेकिन कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। बांग्लादेश को सच्चाई का आईना दिखाया गया तो वो भड़क गया। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद कई मायने में खतरनाक है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, ये लोग न सिर्फ स्थानीय लोगों का रोजगार हड़प रहे हैं बल्कि हमारी सभ्यता को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। अमित शाह ने 20 सितंबर को कहा था, बांग्लादेशी लोग हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं, हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर किसी घुसपैठिए की जगह नहीं है, इनको वापस भगाने का काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। अमित शाह ने दावा किया था कि झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, अगर इसी प्रकार से जारी रहा तो 25-30 साल में घुसपैठिए यहाँ बहुमत में आ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दावों में दम है। कई आंकड़े इस तरह की पुष्टि करते हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, सीमांत बिहार और पूर्वोत्तर में बांग्लादेशी शरणार्थियों की तादाद कितनी तेजी से बढ़ी है। अमित शाह के बयान पर बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणियों से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर पड़ती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी को भारत के कई पूर्व राजनयिकों ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना ने भारत में शरण ली है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से अमेरिका में हैं और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका में ही हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि पीएम मोदी ने अमेरिका में दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन अब तक मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं हुई है। इसे भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की है। पाकिस्तान इसमें अलग मजा ले रहा है। भारत में पाकिस्तान से उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया और ये बांग्लादेश के लोगों का अपमान है। बांग्लादेश हमारा भरोसेमंद पड़ोसी रहा है। बांग्लादेश का जन्म ही भारत की मदद से हुआ है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बीते कुछ वक्त में बदलाव देखने को मिले हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के सरकार से हटने के बाद उन्हें भारत ने शरण दी। अब पड़ोसी देश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है, लेकिन बांग्लादेश को कट्टरपंथियों के दबाव में आए बगैर भारत से संबंध सामान्य रखने होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर बांग्लादेश ने जल्दबाजी में जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, वो उसे भारी पड़ सकती है। बांग्लादेश के रुख पर भारत की तरफ से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, इस बारे में हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।